दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बाइक मोबाइल होल्डर के बारे में और इसे आप साइकिल पर भी लगाकर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, नई नई जगह पर जाते हो और अगर मैप का इस्तेमाल करते हो तो ये जो बाइक मोबाइल होल्डर है आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ हो सकती है। वैसे मैंने ये अपने लिए ख़रीदा था पर्सनली, बट दुर्भाग्य की बात ये है कि इस होल्डर को मैं खुद ही यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि ये होल्डर मेरी बाइक पर लग ही नहीं पा रहा है। तो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों नहीं लग पा रहा है। होल्डर की बात बताऊं तो होल्डर काफ़ी ज़बरदस्त है ये। तो चलिए फटाफट से इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और बताते हैं आपको कैसा प्रोडक्ट है। और आप भी पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है हमारा फ़ोन होल्डर, फटाफट से खोल लेते हैं भाई, ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको दो पोर्शन में आपको इसमें देखने को मिलेगा सामान और ये हो गया हमारा बॉक्स खाली। तो मेन हमारा भाई ये फोल्डर है, देख सकते हैं फुल प्लास्टिक मेड है ये और कुछ इस तरीके से आप फोल्डर है देख सकते हैं। और ये सामने से आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंसी स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि एक प्लास्टिक है बेसिकली, जो पतली वाली फिल्म आती है। और पीछे की साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक प्लास्टिक फिल्म देखने को मिलेगी। तो इसमें आप जैसे अपना फ़ोन रखते हैं तो पीछे की तरफ आपका कैमरा हो जाएगा, जैसे अगर बाइक वगैरह आप कुछ रिकॉर्ड करना है आपको तो यहाँ आप कैमरे से पीछे लगाकर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये आप देख सकते हैं ये बाइक में लगता है जो कि यहाँ पर आप अपने बाइक के हैंडल पर इसको लगा सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था 360 डिग्री रोटेबल पोर्शन है, तो इस पर आप इस होल्डर को अटैच कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा क्या क्या और भी देखने को मिलता है वो भी देख लेते हैं पहले। तो ये कुछ अंजर पंजर देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा इसमें। तो इसके अलावा आपको एक ये नट देखने को मिलेगा। तो सब कुछ असेंबल करके मैं दिखाने वाला हूँ और ये आप अपने फ़ोन के पीछे लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊँगा। और ये रबड़ का बना हुआ है प्रोडक्ट है ये, आप जब अपने हैंडल पर इसको लगाएंगे तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं जिससे कि जो आपका हैंडल पर ये होल्डर है वो अच्छी तरीके से ग्रिप बना ले, तो ये उसके लिए दिया हुआ है। इसके अलावा आपको ये तीन चार कवर देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं जो नट दिख रहे हैं आपको टाइट करने के लिए, इसके ऊपर से आप इसको लगा सकते हैं ताकि जो आपके जो नट हैं उन पर जंग वगैरह ज़्यादा ना लगे तो उसके लिए, और अच्छा भी लगेगा लुक में देखने के लिए। और एक आपको ये एलन की देखने को मिल जाती है, ये हमारी इसलिए दी हुई है क्योंकि ये जो आप इसके अंदर एलन बोल्ट देख रहे हो इनको आप लूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल तो है नहीं, बट फिर भी अगर कभी बीच में अगर आपका लूज हो जाता है तो ये उसके लिए दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन जो हमारा होल्डर दिया हुआ है उसके बारे में। तो इसे हमें खोलने के लिए सबसे पहले इधर से एक पोर्शन दिया हुआ है और एक इधर से लॉक दिया हुआ है और एक इस साइड से नीचे की तरफ से लॉक दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको खोल सकते हैं और इस तरीके से खुल जाएगा। और जैसे अगर फ़ोन है तो आप फ़ोन वगैरह अपना कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं। और वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये भी काफ़ी अच्छा रबड़ का पोर्शन दिया हुआ है। और जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेट है इसके अंदर एक्चुअली, तो वैसे अगर मैग्नेट का काम बाद में आएगा, वैसे अगर मैं ऐसे ही रख देता हूँ सिंपल फिर भी देख सकते हैं आप ये बिल्कुल भी इधर उधर हिल नहीं रहा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और कुछ इस तरीके से आप इसको फिर फ़ोन रखने के बाद इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भाई अपना फ़ोन को आप इसके अंदर रख सकते हैं और आप देखें तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टच का कुछ ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, टच वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। और जैसे कि मैंने बताया ये वाटर प्रूफ है, तो इसमें जैसे अगर बाहर बाइक वगैरह पर आप इसको लगा के जा रहे हैं तो बारिश वगैरह पड़ती है तो आपका फ़ोन आराम से सेफ रहेगा और बाकी डस्ट वगैरह से भी आपको आपके फ़ोन को सेफ रखेगा, तो ये काफ़ी बढ़िया है। वैसे फुल प्लास्टिक बॉडी है ये, और इसको लगाने के लिए आपको जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको एक नट दिया हुआ है ये, तो इसको नट को आपको इसके स्टैंड में कुछ इस तरीके से लगाना है और यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ऐसे प्रेस कर देना है एंड इसके बाद ये जो नट है इसको आपको इस पर टाइट कर देना ताकि ये आपका कहीं निकल के भागे नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हो और ये देख सकते हो आप अपना बस मस्त इसे बाइक पर लगा कर, तो ये आप मैप खुल गया है और आपको जो भी सर्च करना है मैप में सर्च करके और अपने फ़ोन पर लगा कर इस्तेमाल बाइक पर लगा कर इस्तेमाल कर सकते हो। ये देख सकते हैं कोई से एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, 360 डिग्री रोटेशन के साथ ही आपको देखने को मिल जाता है। 6.1 इंच की डिस्प्ले है इसकी और मैं अगर इसको कुछ इस तरीके से अटैच करता हूँ अपने फ़ोन को एकदम ऊपर की साइड में तो यहाँ देख सकते हैं आपको इतना एरिया अभी भी फ्री देखने को मिल जाता है। तो यानी कि 6.1 इंच की डिस्प्ले से भी अगर आपकी डिस्प्ले बड़ी है या 6.5 इंच का भी फ़ोन है तो वो भी काफ़ी आसानी से इसमें आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नेट का साइन भी बना हुआ है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से इस पर चिपका सकते हैं, देखिए चिपक गया।
तो इस पर आप इसे चिपका सकते हैं और इस साइड से बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इसको आपको ऐसे निकालना है। और ये जो एरिया है देख रहे हो आप, ये आपके जो पीछे फ़ोन है इस पर चिपका सकते हो आप कुछ इस तरीके से। तो ये आपका फ़ोन पर ऐसे चिपक जाएगा और फिर आप अपने फ़ोन को इस पर रखना चाहो तो ये वहीं का वहीं चिपक जाएगा आपका। अब आप देख सकते हैं फ़ोन कहीं भी नहीं जा रहा भाई। तो ये इसलिए अगर आपका फ़ोन छोटा है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो लगाकर इस पर। तो दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन होल्डर की तो मेरे को तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त लगा है। प्राइस बता देता हूँ, 450 या 420-30 जो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप प्राइस वगैरह चेक कर लेना। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। और बस क्या कहना, बस अब ये बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपके पास बाइक कौन सी है। मेरे पास जो बाइक है वो है TVS की अपाचे RTR 180। और इस फोन के होल्डर को लेने के बाद जब मैंने उस पर लगाने की कोशिश की तब मेरे को पता चला कि भाई आज तक मैं अपनी बाइक को बिना हैंडल के ही चला रहा था। मतलब हैंडल तो है बट उसमें इतना स्पेस नहीं है कि उसमें आप एक फ़ोन होल्डर भी लगा सको। तो उसके लिए फिर अब मेरे को दूसरे टाइप का फ़ोन होल्डर मंगाना पड़ेगा। एक और फ़ोन होल्डर लेके आऊँगा जो देख लेना वो सारी बाइक में फिट हो सकता है। अगर आपके पास ऐसी बाइक है जिसमें हैंडल वगैरह अच्छा खासा दिया हुआ है तो उस पर आप इसे बहुत आसानी के से टाइट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये आपका जो है हैंडल पर टाइट होता है, इतना पोर्शन चाहिए। तो अगर आपकी बाइक जैसे स्प्लेंडर वगैरह है तो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। और हाँ, ये स्कूटी वगैरह के लिए नहीं बना हुआ है, ये बाइक के लिए ही बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रोडक्ट काफ़ी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह एक ही बात बोलूँगा, लाइक कर लेना वीडियो को, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखना ख्याल। जय हिंद।